नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अभी कुछ समय पहले RSSB यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा एक नई परीक्षा आयोजित कराए जाने का प्लान किया गया है। उस परीक्षा का नाम है CET, राजस्थान CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। हमारे राजस्थान में बहुत सारे जो लोअर ग्रेड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक होमगार्ड अधीनस्थ वाला, अधीनस्थ लेखा अधिकारी वाला, उसके अलावा पटवार वाला, उसके अलावा प्लाटून कमांडर वाला, अधीनस्थ LDC वाला, और उसके अलावा भी और वैकेंसी हैं। वैसे यहाँ पे उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो 23 मई को जारी किया था, और उसमें उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं, कांस्टेबल का भी, पुलिस कांस्टेबल वाले विद्यार्थियों का, बनपाल वालों का भी, एंड LDC ग्रेड सेकेंड वाला भी, पटवारी वाला। तो ये जो एग्ज़ाम होते हैं इनके लिए अब एक डबल प्रोसेस उन्होंने प्रोसेस शुरुआत कर दी है। यानी इस साल करीब करीब 20,000 पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, और उसमें पास होने वाले विद्यार्थियों को ही आगे वाले एग्ज़ाम में बिठाया जाएगा। यानी पुलिस वाले जो ओरिजिनल एग्ज़ाम होगा कांस्टेबल का, उसमें CET पास होने वाले विद्यार्थियों को बिठाया जाएगा। हमारा जो चैनल है, हमारा जो एप्लीकेशन है, न्यू इंडिया नव भारत निर्माण से है, और हम मोस्टली RS एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। हमने लास्ट ईयर RS एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम के लिए एक 100 दिन का टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम चलाया था विद कंटेंट, तो उसमें हमारा सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट 70% के आसपास रहा था। अब बहुत सारे बच्चों की डिमांड होने के कारण हमने सोचा है कि CET, क्योंकि ये कॉमन एलिजिबिलिटी है, तो हमारा जो कंटेंट RS लेवल का है उसे सभी विद्यार्थियों के लिए ओपन कर दिया जाए। हमारे कंटेंट में मैं खुद मोस्टली राजस्थान GK, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया GK, मैथ रीजनिंग, बाकी हमारे बेस्ट से बेस्ट टीचर जो हैं वो हैंड रिटन अपने नोट्स बनाते हैं और उन नोट्स को लेक्चर के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। तो CET वाले विद्यार्थियों के लिए नाम मात्र फीस पर कंटेंट के साथ में, जिसमें वीडियो भी मिलेगी, PDF भी मिलेगी, क्विज भी मिलेगी, कंटेंट के साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी। और जहाँ तक जैसा कि अनुमान लग रहा है कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो सकता है CET वाला, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला, तो हम दिसंबर से पहले का टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराएंगे, और सिलेबस आते ही आपको सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सिलेबस में अभी का जो अनुमान है वो सामान्य राजस्थान GK, इंडिया GK, मैथ रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश सब कुछ कवर होने वाला है। तो हमारी तरफ से हम आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे और नाम मात्र कीमत रखेंगे। शुरुआती 1000 बच्चों के लिए हम 799 की कीमत रखेंगे। अभी कोर्स ओपन नहीं है, जिस दिन सिलेबस आ जाएगा उस दिन आपके लिए कोर्स ओपन कर दिया जाएगा। मैं आपकी स्क्रीन पर एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर बात करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना, अगर आपको शुरुआती 1000 बच्चों में सेलेक्ट होना है और उसमें जुड़ना है तो। ओके, तो अब मैं हनुमान सर, ये RS सेलेक्टेड 2018, इनकी रैंक 76 है, ये भी थोड़ा सा अपना CET के बारे में बताना चाहेंगे, तो इनसे, इनके थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ें समझवाना चाहता हूँ। यस सर। हाँ प्रिय साथियों, आप सबका न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सर ने शुरू में बता दिया, परिचय जो CET का है वो आपने करा दिया था, और साथ ही साथ जो बताया कि हम जो अभी आगे टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, जो उसका 799 जो रखी है फीस, उसमें टेस्ट सीरीज के साथ में हम कुछ कंटेंट भी अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रथम 1000 स्टूडेंट आएंगे उनके लिए ये ऑफर रहेगा। मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं अभी 2018 में जो RS की वैकेंसी थी उसमें सेलेक्टेड, 76 रैंक थी मेरी। मैं भी टीम का एक सदस्य हूँ, और जो जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है उसमें जस्ट टेस्ट सीरीज का है, कंटेंट का कुछ है, वो जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको मैं देख रहा हूँ। साथ ही साथ मैं एक बात ऐड इसमें ये करना चाह रहा था कि जैसे अभी आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 12th पास की कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन की कर रहे हो, दोनों लेवल की CET आपको देना है, तो आपके पास में सबसे सुनहरा अवसर यह है कि आप एक काम करो, पहले अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छा स्कोर आप कर लो, और उसके बाद में सिर्फ आप उसकी तैयारी करो जिसके लिए आपको एग्ज़ाम देना है। ये CET कंपलसरी है, इसके लिए अभी जो बताया है एक साल तक इसका जो रहेगी वैलिडिटी रहेगी, आगे तो बढ़ा भी सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी अपन एक साल लेके चलें। तो आपको पहले अटेम्प्ट में ही इतना अच्छा स्कोर कर लेना है ताकि आप सेकेंड स्टेप में अब बिल्कुल ईजी गोइंग जा सकें और उन सभी परीक्षाओं में जा सकें, जो मान लो कि 10वीं 12वीं के जो इसमें ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्ती बताई है
उसमें मैं 3-4 भर्तियों के नाम बताऊंगा। अभी 10+2 की जो ये जो गजट नोटिफिकेशन आया था, ये आया था मई में। इसमें जैसे स्नातक स्तर की अभी कुछ दिनों में सिलेबस भी आ जाएगा। लेकिन सर मुझे लगता है जैसा आपने भी बताया, सिलेबस मुझे लगता है राजस्थान जी के तो कहीं आएगा ही आएगा, वो पक्का है। वो क्लियर हिंदी इंग्लिश में कुछ इंग्लिश का और हिंदी का रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में मैथ रीजनिंग का रहेगा, कुछ भारत के जीके के टॉपिक हो सकते हैं और में ही रहेगा, और साइंस का भी कुछ रह सकता है। बिल्कुल, साइंस में बायोलॉजी वाला पोर्शन तो अधिक मात्रा में रहेगा, निश्चित रहेगा। देखो, तो ये तो मान के चलना ही चलना है आपको। देखो ऐसा है, सीईटी तैयारी आप उस तरीके से करिए कि सीईटी का तो आप निकालो ही निकालो, उसके बाद वाला जो दूसरा एग्जाम हो उसको भी आप इसी एग्जाम की तैयारी के साथ में निकालो, क्योंकि अभी से आपको डीप तरीके से पढ़ाई करनी होगी। राजस्थान जीके आपको जो है दिसंबर में जैसे एग्जाम है तो पूरा का पूरा उस समय तक रटा हुआ होना ही चाहिए, ताकि आप अगले एग्जाम में भी वो चीज़ों को रिवाइज करके आगे बढ़ो। यस सर, सीनियर सेकेंडरी की जो भर्तियां हैं उसमें अभी देखो 7 भर्तियां अभी भी नोटिफिकेशन में दी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भी अन्य जो भर्तियां होगी, मुझे लग रहा है कि वो भर्तियां भी सभी सीईटी के माध्यम से होगी। अब कुछ भर्तियों के नाम इसमें दे दिए गए हैं, और भी कुछ जैसे भर्ती आएगी उसमें पहले ये शर्त लगा देंगे कि ऐसा हमारा अनुमान है कि जिसने भी सीईटी किया है वो ये वैकेंसी भर्ती में शामिल हो सकता है। जैसे अभी राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा है, वनपाल की जैसे है, हॉस्टल वार्डन की है, लिपिक है, जो कलर की है, कनिष्ठ सहायक है, लिपिक ग्रेड सेकंड है, और कांस्टेबल है। कांस्टेबल की वैकेंसी भी आएगी तो वो भी सीईटी इसके लिए क्वालिफाई करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियाँ हैं उसमें जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक का अभी इसमें नाम जो ग्राम विकास अधिकारी का नाम नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यदि जब सरकार ने ये शुरू किया है तो हो सकता है कि जो आगामी भर्ती आएगी उसमें सीईटी अनिवार्य कर देंगे। कनिष्ठ लेखाकार टीआरए जो तहसील राजस्व लेखाकार है, महिला सुपरवाइजर है और प्रवेक्षक ये जो सीडीपीओ के अंडर में काम करते हैं, उप जेलर की है और हॉस्टल वार्डन ग्रेड सेकेंड की है। तो मोटा मोटा ये है कि आपको सीईटी में इतनी अच्छे से तैयारी करनी है कि आप उस एग्ज़ाम को भी अच्छे से कर पाएँ। इसलिए हमारे पास में जो अभी जो कंटेंट हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बना रहे हैं वो जैसा कि सर ने बताया कि हम बिल्कुल आरएस फोक्स्ड है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आरएस का जो कंटेंट है आप इसको अच्छे से सीईटी में करते हैं तो सीईटी में आपका जो स्कोर है वो इतना शानदार हो जाएगा कि मान लो भाई आपने सीनियर सेकेंडरी के लिए आपने सीईटी दिया और उसके बाद में पता चला कांस्टेबल की वैकेंसी में तो जितना ये अभी क्राइटेरिया जो तय करेंगे 10 गुना लेते हैं 15 गुना लेते हैं उसमें तो 15 गुना इसमें 15 गुना का है द्वितीय चरण में 15 गुना को आपको दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि पुलिस की वैकेंसी 4000 की वैकेंसी आई है तो सिर्फ 60,000 बच्चे ही बैठेंगे पुलिस वाले एग्जाम में सिर्फ, क्योंकि मोस्टली जो है वो सीईटी के थ्रू क्वालिफाई करके ही उधर की साइड में जाएंगे। 15 गुना जो है वो एलिजिबल रहेंगे। जैसे कि अभी 20,000 पदों के लिए अलग अलग विभागों ने जो है वो अभ्यर्थना भेज दी है आरएसएसबी को, अब 20,000 पदों के लिए वो निकाल रहे हैं तो 20,000 का 15 गुना यानी 3,00,000 बच्चों को पास करेंगे इस सीईटी एग्जाम के थ्रू वो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि इतने बच्चे पास होने वाले हैं और करीब करीब 25,00,000 बैठेंगे अगर अभी से आप मेहनत करना शुरू करेंगे तो भी, क्योंकि कंपटीशन तो टफ रहेगा यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन अगर अभी से मेहनत कर दोगे और अभी से शुरुआत कर दोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और सीईटी में अच्छा स्कोर कर लिया तो उसके बाद में आप कोई सा भी 10+2 की जो भी वैकेंसी आई उसमें आप एलिजिबल हो। उसके बाद में ग्रेजुएशन की जो है उसमें आप, मैं कह रहा हूँ सीईटी में अच्छा स्कोर कर लो तो ये एक आपका बिल्कुल ही पक्ष मजबूत हो जाएगा, उसके बाद जो भर्ती आ रही है उसको आप देते रहेंगे। सीधी सी बात इतना है कि एक शेड्यूल बना होना चाहिए, वो शेड्यूल का काम हम आपके लिए कर देंगे क्योंकि हम आपको टेस्ट सीरीज का एक पूरा शेड्यूल दे देंगे और उस शेड्यूल के बाद में आप कंटेंट पढ़ो टेस्ट दो, कंटेंट पढ़ो टेस्ट दो, रिवाइज करो क्योंकि रिवीजन टेस्ट के थ्रू ही अलग से हो जाएगा, क्योंकि हम रिवीजन भी टेस्ट में कराएंगे, कम से कम 30 टेस्ट आपसे करवाएंगे तो उसमें रिवीजन हो जाएगा। इवन इफ हम टॉपिक वाइज क्यूज भी देते हैं तो वो क्यूज टॉपिक वाइज तो आप खुद से पढ़ लीजिए, लेकिन टेस्ट में आप पूरे तरीके से कंटेंट तैयार करके और पूरी शिद्दत से उसमें जाना है, ठीक है। तो बस इतना है कि सीईटी की जो प्रक्रिया है वो 15 अगस्त के बाद में शुरू हो जाएगी, 2-5 दिन में सिलेबस आ जाएगा, 20,000 पदों पे नई भर्ती होगी और परिणाम की वैधता जो है वो 1 साल के लिए रहेगी। अभी के लिए 1 साल है, आगे उसमें चेंज किया जा सकता है। और अभी से आप 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम की तैयारी है सीईटी वाली वो तैयारी शुरू कर दीजिए, और तैयारी ऐसी कीजिए कि सीईटी के अलावा आपका जो मुख्य परीक्षा है वो भी आपका क्लियर हो जाए। बिल्कुल सर, एक बात और लास्ट में ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि हमने इस पर डिस्कस कर लिया इतना, एक जो लास्ट बात है वो ये कि जैसे सर ने बताया कि आपका एक शेड्यूल हो,
आपका अभी देख रहे हैं कि सिलेबस जैसे ही आ जाता है, हम उसको शेड्यूल टेस्ट के शेड्यूल आपको दे देंगे, 30 कम से कम 30 टेस्ट तो हम आपको दिलवा देंगे, तो उससे आपका क्या है कंटिन्यूटी बनी रहेगी। साथ ही साथ आप उसको जब पढ़ इतना जितना आपने पढ़ा क्या है उसको आप जब तक टेस्ट करोगे नहीं तो आपको पता चलेगा नहीं, तो आप जितना कंटेंट पढ़ोगे उसको हम टेस्ट के थ्रू आपका टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में आपको खुद को कॉन्फिडेंस आना लग जाएगा, और जब CET होगा तो उसमें हमें पूरा भरोसा है कि आप बहुत ही अच्छा और बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। सर फाइनल इतना कहना रहेगा अपना कि आप हमारा जो कंटेंट और हमारा रिसोर्सेज रहेगा उसे एक रिलीजियसली एक विश्वास करके फॉलो करना, सारे टेस्ट देना हमारा, जैसे हमने लास्ट ईयर RAS एग्ज़ाम में 70+ सेलेक्शन कराया था 70% प्री एग्ज़ाम में, तो उसी तरीके से हम इस CET एग्ज़ाम में उससे भी ज़्यादा सेलेक्शन करा देंगे अगर आपने हमारा कंटेंट और हमारी टेस्ट सीरीज कंटिन्यूसली फॉलो कर ली। फीस नाम मत रखेंगे हम, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेंगे, उसमें ज़्यादा फीस नहीं रखेंगे, बस ये है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो हम बना रहे हैं, क्योंकि हम अब थोड़ा सा कुछ अपने नोट्स को भी जो है वो मार्केट में लेकर के आ रहे हैं, तो उस चीज़ का आप यूज कर सको तो दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका बच्चों को पसंद आ रहा है, और अगर पसंद आ रहा है तो क्यों नहीं हम उसे सबके लिए ओपन करें। हम मोस्टली RAS एग्जाम तैयारी करा रहे हैं लेकिन सबके लिए ओपन करना चाहिए, तो हमारा बस इतना है, बस जस्ट बिलीव करिए और हमारा जो कोर्स है उस पर ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिएगा। ये कोर्स आपको 2-5 दिन में अवेलेबल हो जाएगा, जैसे ही सिलेबस आता है उस दिन आपके लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा और अलग से वीडियो बना दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।